आज है अखंड सौभाग्य का महापर्व करवा चौथ। राजस्थान के चौथ माता मंदिर में सुबह से जुट रही महिलाओं की भीड़। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण मंदिर में आएगी भोलेनाथ की बारात। होंगी विवाह की सभी रस्में। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शुरू हुई दीपावली की तैयारियां। रूप चतुर्दशी से गुनगुने जल से स्नान करेंगे बाबा। ओरछा के श्री राम राजा मंदिर में दर्शन का समय बदला। अब सुबह 9 और शाम को 7 बजे से होंगे राजा राम के दर्शन। अखंड सौभाग्य का महापर्व करवा चौथ आज मनाया जा रहा है। विवाहित स्त्रियां व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस पावन दिन पर राजस्थान में सवाई माधोपुर के चौथ माता मंदिर में अखंड सौभाग्य की कामना के साथ सुबह से ही महिलाओं की भीड़ जुट रही है। मंदिर को आकर्षक और भव्य रूप से सजाया गया है। चौथ माता स्वयं माता पार्वती का ही एक रूप मानी जाती है। राजस्थान के बूंदी राज घराने के समय से ही इन्हें कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से चलकर भोलेनाथ की बारात उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण मंदिर आएगी, जहां शिव और माता पार्वती के विवाह की सभी रस्में निभाई जाएंगी। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए एक नई धार्मिक यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जिससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही दोनों देशों के आपसी संबंध भी गहरे होंगे। मान्यता है कि त्रियुगी नारायण मंदिर में ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में दीपावली पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दीपावली से एक दिन पहले रूप चतुर्दशी से भगवान गुनगुने जल से स्नान करने लगेंगे और ये क्रम फागुन के महीने में पड़ने वाली महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तड़के 4 बजे भस्म आरती में भगवान को केसर चंदन का उपटन लगाने के बाद गुनगुने जल से स्नान कराया जाएगा और फिर होगा श्रृंगार। मंदिर में दीप पर्व का शुभारंभ 10 नवंबर को धनतेरस से हो जाएगा। बुंदेलखंड के ओरछा में स्थित भगवान श्री राम राजा सरकार के मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। अब सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 7 बजे से रात 9:30 बजे तक भक्त भगवान के दर्शन कर सकेंगे। हर साल शरद पूर्णिमा के अगले दिन से मंदिर के समय में परिवर्तन किया जाता है। मंदिर में 4 प्रहर आरती होती है। भोर और संध्या काल की आरती के बाद उन्हें सलामी दी जाती है। इसके पीछे मान्यता है कि ओरछा में राजा राम का ही शासन चलता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में चिंतपूर्णी माता मंदिर से श्रद्धालु अब घर बैठे प्रसाद और मां चिंतपूर्णी का स्वरूप मंगवा सकते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट द्वारा ये नई सुविधा श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने किया। प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में हिमाचल के साथ ही ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के श्रद्धालु हाजिरी लगाते हैं। अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह से पहले अस्थायी राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिया गया चढ़ावा कई गुना बढ़ गया है। रामलला के मंदिर के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी चढ़ावा आना शुरू हो गया है। सितंबर में चढ़ावा औसतन 60 लाख रुपए था, जो अगस्त की तुलना में 4 लाख रुपए अधिक है। इससे पहले चढ़ावे की गिनती प्रत्येक महीने के 5वें और 20वें दिन होती थी, अब ये काम प्रतिदिन किया जा रहा है। राम मंदिर में दान के अलावा ट्रस्ट को भक्तों से ऑनलाइन चेक और नकदी के रूप में दैनिक दान मिल रहा है।